एक तरफ बर्बाद होती दवाएं और दूसरी तरफ दवाओं के लिए तरसते लोग। दवाई तो समझिए 70% बाहर से खरीदना पड़ेगा, यही एक ठो दवाई दिया, तीन ठो बाहर से खरीदना। दवा वगैरह नहीं मिलती, कहाँ दे रहा है, ढंग से जो है देवे नहीं कर रहा है। क्या बोलता है, दवा मांगने पर है ये नहीं, स्टॉके में नहीं है। अधूरी पड़ी इमारत में धूल फांकती दवाओं की ये तस्वीरें हैं बिहार में कटिहार के जिला अस्पताल की। ये न केवल अस्पताल के इंतजाम बल्कि दवाओं के रखरखाव की सच्चाई बयां कर रही है। बुखार, मलेरिया समेत कई बीमारियों के इलाज में काम आने वाली करोड़ों रुपए की दवाएं हैं। इनमें कुछ दवाएं ऐसी भी हैं जिनकी बिक्री और इस्तेमाल पर सरकार ने रोक लगा रखी है। कफ सिरप, मेरा जो लिस्ट मिला है एथी का, दवा का एसेंशियल ड्रग लिस्ट, उसमें कफ सिरप नहीं है, निकाल दिया गया है। कितना दिन पहले से बैंडेड? बैंडेड तो आपको लगता है कि करीब 8 महीना पहले किया गया है। जिन दवाओं को कम टेम्परेचर पर रखा जाना चाहिए वो भी ऐसे ही खुले में पड़ी है, लेकिन जिम्मेदार स्टोर की कमी का हवाला दे रहे हैं और दवाओं को इस तरह से रखने पर क्वालिटी गिरने से इनकार कर रहे हैं। उसमें कुछ दवा का कार्टून फट गया, जो कुछ दवा वहाँ पर बिखर गई, जो उसको लोग उठा लेना चाहिए था, उठाया नहीं। और ये बात तो है कि अंदर में स्टोर में जगह लेने की बहुत कमी है, इसलिए वो वहाँ पर रखा गया। इलाज के लिए ज्यादातर लोग जिला अस्पताल और यहाँ से मिलने वाली दवाओं पर निर्भर हैं। ऐसे में दवाओं की कमजोर क्वालिटी उनकी सेहत संवारने के बजाय उसे बिगाड़ने का काम कर सकती है। बिहार के कटिहार से असदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।